इंस्पायर मानक के वेन्यू पर ही हम एक और विशिष्ट व्यक्ति से मिल रहे हैं और हम सबसे पहले उनका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम नमिता गुप्ता है, मैं इंस्पायर मानक प्रोग्राम की प्रमुख हूँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से। नमिता जी, ये बताइए कि NIF तो इसको ऑर्गेनाइज कर ही रहा है इंस्पायर मानक को, तो DST का इसमें क्या रोल होता है? एक्चुअली भारत सरकार की एक पहल काफ़ी पहले शुरू हुई थी कि हमें बच्चों में नवाचार को प्रेरित करना है, बच्चों में क्रिएटिविटी को उजागर करना है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक स्कीम चलाई इंस्पायर मानक, और फिर 2016 में इस इंस्पायर मानक स्कीम को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक इनिशिएटिव था स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, उसके साथ अलाइन किया गया। तो जब उसके साथ अलाइन किया गया तो अब ये इंस्पायर मानक प्रोग्राम स्टार्टअप इंडिया के साथ अलाइन होकर के पूरे भारत के स्कूलों के बच्चों को, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों से हों, चाहे वो अर्बन एरियाज से हों, और किसी भी तरह के स्कूल, मतलब आप कहिए कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के त्रिपुरा, नागालैंड, दूर दराज के सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को हम प्रेरित करते हैं कि अपने स्कूलों में बच्चों को आप प्रेरित करें कि वो नए नए नवाचार लेकर के आएं। तो इसमें 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चे अपने जो भी वो नवाचार के आइडियाज़ बनाते हैं वो उसको हमारे पास भेजते हैं, और इसके लिए हमारा एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे वो आइडियाज़ सबमिट करते हैं। तो जब वो आइडियाज़ आ जाते हैं तो उन आइडियाज़ को, जैसे कि अभी मेरे सहयोगी भी आपसे बात कर रहे थे, उन्होंने आपको बताया कि 10 लाख के आइडियाज़ का एक टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं। तो 10 लाख के आइडियाज़ में से जैसे इस साल हमारे पास 7.5 लाख आइडियाज़ आए हैं, उसमें से फिर हम इनको एक अलग अलग लेवल पे इन बच्चों को इंटरेक्शन कराते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, फिर स्टेट लेवल हो, और फिर नेशनल लेवल का कंपटीशन। ये राष्ट्रीय लेवल की प्रदर्शनी जो आप देख रहे हैं, इसमें राष्ट्रीय लेवल की ये प्रदर्शनी भी है और एक कंपटीशन भी है। इसमें से फिर 60 बच्चे जो निकल के जो सेलेक्ट होंगे उनको हम एज ए विनर डिक्लेयर करके और उनकी एक फेलिसिटेशन सेरेमनी करते हैं। तो ये एक 3 दिन का प्रोग्राम होता है जो कि हर साल किया जाता है, और इसकी हम जो कॉल निकालते हैं वो हर साल निकलती है। तो यानी जो भी बच्चे 6th क्लास से 10th क्लास के हैं वो सब इसमें सहभागी हो सकते हैं। हमने स्टॉल्स देखे, बहुत ही उत्कृष्ट, मतलब उनके जो उत्पाद हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत कुछ सीखने को किसी को भी मिल सकता है उससे, यहाँ तक कि बड़े भी सीख सकते हैं। मेरा प्रश्न ये रहेगा कि कई बच्चे देख के ऐसा लगा कि बिल्कुल ही दूर दराज के क्षेत्र के हैं और न जाने उन्होंने वो संसाधन कैसे इकट्ठा किए होंगे अपने स्कूल के माध्यम से। ऐसे बच्चे जब जैसे वहीं रह रहे हैं अगर, तो अब इनोवेशन के लिए ठीक है, और संसाधनों की आगे और ज़रूरत बढ़ती होगी, तो कहीं कोई कमी तो नहीं महसूस हो रही है? यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब बच्चों ने, जैसे मैंने बताया कि 7.5 लाख जो आइडियाज़ हमारे पास आए, उसमें से हमने जिन आइडियाज़ को उसके बाद एक प्रोसेस के थ्रू उन आइडियाज़ को सेलेक्ट किया, तो 52,000 आइडियाज़ जो हमारे पास आए उसमें हर बच्चे को 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। और जो आपने अभी संसाधन की बात की, तो बच्चे उस आइडिया पे जब काम करते हैं और अपना उस आइडिया को एक प्रोजेक्ट की जब एक शक्ल देते हैं, तो वो उसके लिए वो 10,000 रुपये उनको काम आते हैं। और फिर उसके बाद 10,000 रुपये के अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उनको हर एक प्रदर्शनी में जाने के लिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे वो नेशनल लेवल हो, उनको पूरी सपोर्ट देता है ना। जैसे ये जो बच्चे दूर दराज के इलाकों से आए, कोई बच्चा आपने देखा होगा कोई त्रिपुरा से आया, कोई मणिपुर से आया, कोई पांडिचेरी से आया, तो इन बच्चों का पूरा उनका आने जाने का खर्चा, उनके रहने की व्यवस्था, और उनको इस प्रदर्शनी से रिलेटेड जितना भी उनका जो संसाधन की उनको ज़रूरत है वो सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग प्रोवाइड करता है। नमिता जी, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।